रविवार शाम इंदौर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे और उन्हें पद्मभूषण सम्मान मिलने पर बधाई दी। सिंधिया को ताई के घर डिनर भी करना था, लेकिन उन्होंने डिनर नहीं किया और यहां से सीधे होटल रवाना हो गए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आए थे। एमपीसीए सहित अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात 10 बजे ताई के घर पहुंचे और उन्हें पद्मभूषण मिलने पर बधाई दी। इस दौरान उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे साथ थे। ताई के घर पहुंचे सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ताई को पद्मभूषण मिलने पर बधाई देने आया हूं। जब उनसे पूछा गया कि पद्मभूषण के बाद क्या अब ताई राज्यपाल बनेंगी, तो वे बोले कि इस पर आई टिप्पणी नहीं करूंगा। आशीर्वाद ग्रहण करने आया था, मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत संबंध उनके साथ रहा है, आज नहीं लेकिन पिछले 20-25 सालों से, और मेरे लिए तो मेरी ताई हैं, मेरा घर है, सदैव रहा है और आज भी है और भविष्य भी मेरा ही रहेगा। लेकिन जो उन्हें पद्मभूषण दिया गया है, मैं मानता हूँ कि हमारी धरोहर हैं, इंदौर की केवल नहीं, मध्य प्रदेश के केवल नहीं लेकिन अब देश की धरोहर है। अब देखिए इन चीजों में वही सचिन तेंदुलकर द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट को लेकर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन सरकार जो कृषि कानून लाई है वो किसानों के हित में है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन टिप्पणी की जानी चाहिए, अपने भावनाओं को व्यक्त किए जाने चाहिए पूरे मूल मंत्र को समझते हुए। और जो व्यक्ति इन तीन कृषि कानून सुधार कानून को पढ़ेगा, वो केवल 21वीं सदी के किसान की प्रगति और विकास के कानून हैं। और इस पर बहुत लंबा वक्तव्य मैंने संसद में भी दिया है। पिछली बार सिंधिया इंदौर आए थे तो वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर डिनर करने गए थे। इस बार सिंधिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत ताई के घर रात का खाना खाने पहुंचे थे, लेकिन फिर वे बगैर भोजन किए ही होटल के लिए रवाना हो गए। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।